आपके चैनल पर भी प्रॉब्लम है वो आ रही है, दिस चैनल डज नॉट एग्जैक्ट गो टू होम पेज। कहने का गाइस मतलब है कि आपका चैनल यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है, आपका चैनल अब यूट्यूब पर नहीं है। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम है वो आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको तीन स्टेप बताएंगे, अगर आप इन तीन स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। गाइज अभी भी मेरे चैनल पर भी प्रॉब्लम है वो आ रही थी, तो मैंने इसको है वो सॉल्व कर दिया है। अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल पर ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। तो इसके लिए गाइस आपने सबसे पहले काम क्या करना होगा, गाइस आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने गाइस यूट्यूब को अपडेट है वो कर लेना है। काफी दफा ऐसा होता है कि यूट्यूब पर बग आ जाता है जिसकी वजह से आपके चैनल पर ये प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है। करने के बाद तब भी आपके चैनल पर ये प्रॉब्लम है वो आती है, तो फिर आपने गाइस क्या काम करना है, तो आपने गाइस यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद जो यूट्यूब का डाटा है उसको यहां से फोस्टो कर देना है, करने के बाद और यहां से इसका डाटा है वो क्लियर कर देना है। तो आप जो गाइस प्रॉब्लम है वो 110% है वो सॉल्व हो जाएगी। डाटा क्लियर करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती है, तो इसके लिए गाइस आपने तीसरा स्टेप को फॉलो करना होगा। YT स्टूडियो एप्लीकेशन में जाना है, जाने के बाद आपने गाइस अपना YouTube का जो चैनल का नेम है वो चेंज कर देना है। करने के बाद आपने YouTube को ओपन करना है, तो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपके होम पेज पर कोई वीडियो शो ना हो रही हो, अगर आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें Instagram पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि इसी तरह की YouTube स्टूडियो मिलते रहे।